सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर किया अतिक्रमण, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। बाड़मेर ग्राम पंचायत पन्नेलाग में के अम्मी का पार ग्रामवासियों ने शनिवार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर बताया कि पंचायत समिति गढ़रा रोड के ग्राम पंचायत पन्नेला में खसरा नंबर 490 जमीन सरकारी है, जिसमें जिस पर गुलाम खान पुत्र खीमा खान द्वारा अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया जा रहा है। गांव के लोगों ने गुलाम खान से कई बार समझाइश भी की, कहा यह जमीन सरकारी है, इस जमीन पर पशु वगैरह चराते हैं, इस जमीन पर कब्जा मत करो, मगर गुलाम खान द्वारा धमकियां दी जा रही है मगर कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। इसलिए शनिवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध कब्जा हटाने की मांग की है और कड़ी से कड़ी गुलाम खान के नाम कार्रवाई भी करने की मांग की है। सर क्या मामला है, ज्ञापन दिया आज? ज्ञापन इस बारे में दिए है कि अम्मी का पार ग्राम पंचायत है, ठीक है, बनेला उसमें ये तहसील गढ़ा रोड में आती है, वहाँ पर एक है गुलाम खान है जो दबंग आदमी है, पैसे वाला है, वो क्या वहाँ के पास में आबादी जमीन के पास में सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर अवैध कब्जा करके बैठा है। वहाँ पर कोई मवेशी ववेशी जाते हैं तो उनके परिवार वालों से झगड़ा करता है, इसके बारे में हम ज्ञापन देने आए हैं कि उसका जो अवैध कब्जा वहाँ से हटाया जाए। किसको ज्ञापन दिया? ये कलेक्टर साहब को दिया। हाँ, यहाँ से हटा दिया। इससे पहले हम जो कैंप लगी तब भी सूचना दी गई, वहाँ सरपंच को भी कहा, सरपंच क्या है कि वो कह रहा है कि वोटों के हिसाब से मैं किसी से पर्सनल नहीं ले सकता दुश्मनी, इसलिए फिर हम कलेक्टर साहब से मिलने आए। पूरा ग्राम पंचायत वहाँ से जो गांव वासी है सब उस आदमी एक आदमी से परेशान है, इसके लिए हम यहाँ आए।